हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। मेरा नाम है अक्षय और स्वागत है आप सभी का एडी मूवी स्टॉक यूट्यूब चैनल पर। जवान 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 बॉक्स ऑफिस पर रुकने का नाम ही नहीं ले रहे है। तो चलिए आज के इस वीडियो में जवान के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करते हैं। बॉक्स ऑफिस पर कोई भी फिल्म तभी हिट मानी जाती है जब उसने ढंग से ठीक ठाक पैसे कमा लिए हो और प्रोड्यूसर का प्रॉफिट बना दिया हो। एक टाइम था जब पिक्चर 100 करोड़ कमा ले तो उसे हिट घोषित कर दिया जाता था। फिर सलमान खान ने 200 करोड़ का क्लब खोल दिया और फिर कुछ पिक्चरों ने 300 करोड़ से भी ज्यादा कमाए। बाहुबली जैसे पिक्चरों ने 500 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया, लेकिन 300 करोड़ तक कमा लेना भी पिक्चर को ब्लॉकबस्टर बना देता था। इस 300 करोड़ क्लब में शामिल होने के लिए शाहरुख खान को लंबा इंतजार करना पड़ा। पठान से पहले उनकी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवी चेन्नई एक्सप्रेस थी, जो 2013 में आई थी। 10 साल से शाहरुख खान एक ऐसी फिल्म ढूंढ रहे थे जो किसी तरह 300 करोड़ पार कर ले। लेकिन हैप्पी न्यू ईयर, फैन, यहाँ तक कि उनकी हाईली एंटीसिपेटेड मूवी रईस 300 करोड़ तो छोड़िए 200 करोड़ के आंकड़े को भी छू नहीं पाई। इसी तरह शाहरुख खान को तबाह तो रईस और फैन ने तो कर दिया, लेकिन जब हैरी मेट सेजल और जीरो आई तो उसने लूट लिया। लेकिन हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। ऐसे में शाहरुख खान 4 साल के वनवास पर चले गए और वहां से लौटने पर 200, 300, 400 नहीं पूरे 500 करोड़ का बिजनेस करने वाली फिल्म बनाई। कई लोगों को लगा कि तुक्का लग गया है, लेकिन शाहरुख खान के जवान ने सबको साबित कर दिया कि वक्त बाकी हीरोज का आता है, शाहरुख खान का तो दौर है। जवान का मंडे का कलेक्शन 12 करोड़ का था और इसी के साथ उसका टोटल कलेक्शन 457 करोड़ का हो गया है। ये आंकड़े जो मैं आपको बता रहा हूँ वो हिंदी लैंग्वेज के है। इसमें तमिल, तेलुगु डब मिला लीजिए तो मामला 500 करोड़ के पार, क्योंकि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन खाली हिंदी वर्जन पर लिया जाता है। तो 457 करोड़ ही समझ लीजिए। 13 दिन तक लगातार एक भी ऐसा दिन नहीं आया जब शाहरुख खान के जवान ने कम से कम 10 करोड़ रुपए ना कमाए हो। 457 करोड़ कमाने का मतलब ये कि जवान ने KGF 2 को कमाई के मामले में पीछे छोड़ दिया और पठान, गदर 2 और बाहुबली 2 के बाद 34 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवी बन गई है। एक आंकड़ा मैं आपको बता दूं, जवान ने 13 दिन में 450 करोड़ कमाई का आंकड़ा पार कर दिया। ये आंकड़ा छूने में गदर 2 को 17, पठान को 18 और बाहुबली को 20 दिन लग गए थे। अब जवान 500 करोड़ क्लब में शामिल होने जा रही है। अगले वीकेंड तक ये क्लब भी छू लेगी जवान और शाहरुख खान 500 करोड़ क्लब में 2 पिक्चर देने वाले हिंदुस्तान के पहले एक्टर बन जाएंगे। बहुत ज्यादा मुमकिन है कि जवान पठान के 543 करोड़ के रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ देगी। अब देखना यही बाकी है कि शाहरुख खान बॉक्स ऑफिस पर 600 करोड़ का क्लब कब खोल पाएंगे। आपको क्या लगता है जवान की लाइफटाइम कलेक्शन कितनी होगी, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। और हाँ, ऐसे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ।